हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर की इतनी टेस्टी सब्जी। एक बार सच में अगर आपने ये सब्जी बना के खाई ना, हर बार आप यही बनाना पसंद करेंगे। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर की इतनी टेस्टी सब्जी। तो चलिए हम जल्दी से वीडियो बनाना स्टार्टिंग करते हैं। तो यहाँ पे मैंने रख दी है कढ़ाई, इसमें हम डाल देंगे 2 चम्मच तेल के। दोस्तों अगर आप चाहें तो आप तेल की जगह पे घी का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम इसमें डाल देंगे 250 ग्राम पनीर। तो यहाँ पे मैंने 250 ग्राम पनीर ले लिया है, इसे मैंने क्यूब में कट कर लिया है। तो यहाँ पे हमें पनीर को भून लेना है। जब तक पनीर का कलर चेंज नहीं हो जाता, यानी कि हल्का ब्राउन नहीं हो जाता, तब तक यहाँ पे हम पनीर को अच्छे से भून लेंगे और इसी तरह से इसे अलटते पलटते चलाते रहेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे पनीर का कलर चेंज हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे हमें निकाल लेना है। तो ये देखिए इसी तरह से हम सारे पनीर को निकाल लेते हैं और इसे हम रख देते हैं साइड में। उसके बाद यहाँ पे मैंने ले लिया 1 शिमला मिर्च और 1 प्याज को। तो यहाँ पे मैंने प्याज को भी इस तरह से क्यूब में कट कर लिया है और शिमला मिर्च को भी इस तरह से क्यूब में कट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों को अच्छे से भून लेना है, यानी कि इसे भी हम 1 मिनट के लिए हल्का सा सॉफ्ट होने तक इसे भून लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे शिमला मिर्च और प्याज भी अच्छे से भून चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे भी यहाँ पे हमें निकाल लेना है। तो ये देखिए अगर आप इस तरह से ये सब्जी बनाएंगे तो आपकी सब्जी इतनी टेस्टी लाजवाब बनेगी, हर कोई तारीफ ही आपकी करेगा। तो ये देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हम सारी सब्जी को इस तरह से निकाल लेंगे और यहाँ पे थोड़ा सा तेल अभी भी बचा हुआ है, तो इसी में हम इसमें डाल देंगे प्याज को। तो यहाँ पे हमने 2 मीडियम साइज की प्याज ले ली थी, इसे हमने मोटा मोटा इस तरह से कट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम प्याज को अच्छे से भूनेंगे जब तक प्याज का भी कलर हल्का सा चेंज नहीं हो जाता। तो ये देखिए यहाँ पे प्याज का कलर भी चेंज हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम डाल देंगे टमाटर को। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 टमाटर को इस तरह से यहाँ पे हमें मोटा मोटा कट करके इसमें डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे हम इसमें डाल देंगे 8 से 10 कलियाँ लहसुन की और 2 टुकड़े छोटे अदरक के और 1 हरी मिर्च को। तो अब हम क्या करेंगे, इसे भी हम करीब 10 से 15 सेकंड के लिए अच्छे से भून लेंगे। जब तक टमाटर हल्का सा सॉफ्ट नहीं हो जाता तब तक यहाँ पे हमें इसे अच्छे से भून लेना है। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस ग्रेवी को करेंगे ठंडा, उसके बाद इसे हमें पीस लेना है। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 चम्मच डाल देंगे तेल के। जब तेल हल्का सा गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे 1/2 छोटा चम्मच जीरा। जब जीरा चटकने लग जाएगा, जो हमने ग्रेवी पीस के रखी थी वो भी यहाँ पे हम इसमें डाल देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसे डालने के बाद इसे हम करीब 1 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। तो इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब तक तेल और ग्रेवी अच्छे से मिक्स नहीं हो जाता तब तक यहाँ पे हम इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे करीब 10 से 15 सेकंड के लिए। तो ये देखिए यहाँ पे तेल और ग्रेवी अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें हम डाल देंगे सारे सूखे मसाले। तो यहाँ पे हमने इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 चम्मच हम इसमें डाल देंगे धनिया पाउडर, 1 चम्मच हम इसमें डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, स्वाद के अनुसार हम इसमें डाल देंगे नमक और थोड़ी सी हम इसमें डाल देंगे कसूरी मेथी। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे हम चलाते रहेंगे जब तक ग्रेवी में से तेल अलग नहीं हो जाता, तब तक यहाँ पे हम इसे अच्छे से चलाते रहेंगे। दोस्तों अगर आपको घी पसंद है तो इस समय आप 1 चम्मच घी का भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। 1 चम्मच आप इसमें घी डाल दीजिएगा, इससे इस ग्रेवी का टेस्ट और भी बढ़ जाएगा और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। हमारे घर में घी थोड़ा सा कम पसंद है, इसलिए यहाँ पे मैंने इसमें नहीं डाला है। अगर आपको पसंद हो तो आप इसमें 1 चम्मच अभी इस समय डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें हम डाल देंगे 2 चम्मच घर की ताजी मलाई। तो दोस्तों ये आप जरूर इसमें डालिएगा, इससे इस सब्जी का टेस्ट 2 गुना बढ़ जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, इस मलाई को उस ग्रेवी को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे हमें तब तक चलाना है जब तक इसमें से तेल अलग नहीं हो जाता, तब तक यहाँ पे हम इसे अच्छे से चलाते रहेंगे और इसे अच्छे से पकाते रहेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे ग्रेवी में से तेल अलग हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम डाल देंगे 2 कप पानी के। तो जिस मिक्सर जार में मैंने ग्रेवी पीस के रखी थी उसी में ही यहाँ पे मैंने पानी डाल के इसमें डाल दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे हम कर लेंगे पहले अच्छे से मिक्स। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, इसे ढक के अच्छे से 5 मिनट के लिए पकाएंगे। जब तक ये इसमें से तेल अलग नहीं हो जाता तब तक यहाँ पे हमें इसे अच्छे से पका लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे हम इसे ढक देते हैं और यहाँ पे हम गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम कर लेंगे।
तो ये देखिए यहाँ पे 5 मिनट हो चुके हैं और ग्रेवी में से तेल भी अलग दिखने लगा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे हम पहले अच्छे से जला लेंगे। उसके बाद जो हमने यहाँ पे सब्जी फ्राई करके रखी थी यहाँ पे हम सब इसमें डाल देंगे, यानी कि पनीर, कैप्सिकम, प्याज, इस सब को यहाँ पे हम इसमें डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसके बाद एक बार हम इसे फिर से अच्छे से जला लेंगे। ये देखिए बस इसी तरह से यहाँ पे हम इसे चला लेना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से इसे 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे ताकि सारी जो ग्रेवी का मसाला हमने बनाया है वो सब्जी में अच्छे से लग जाए। तो यहाँ पे हम गैस की फ्लेम को लो मीडियम कर लेंगे और इसे अच्छे से 5 मिनट के लिए पकने देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे 5 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे हमारी सब्जी भी बनके तैयार हो चुकी है। दोस्तों देखने में भी कितनी टेस्टी और प्यारी लग रही है ना, ऐसा लग रहा है कि झटपट से बना के खा लें। दोस्तों सच में बहुत अच्छी और लाजवाब ये सब्जी बनके तैयार होती है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए इसे हमने अच्छे से चला लिया है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, इतनी टेस्टी लाजवाब ये सब्जी बनके तैयार हो चुकी है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल है। सच में एक बार जरूर अपने घर पे ट्राई कीजिएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा गरम मसाला और साथ में यहाँ पे हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया। तो ये देखिए यहाँ पे हमने इसमें हरा धनिया भी डाल दे देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसे सर्विंग के लिए निकाल लेते हैं। इतनी टेस्टी लाजवाब ये सब्जी बनके तैयार हो चुकी है, तो अब हम इसे सर्विंग के लिए निकाल लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने रख दी है एक प्लेट। ये देखिए इतनी टेस्टी लाजवाब ये सब्जी बनके तैयार हो चुकी है। आप इसे रोटी के साथ, फुलके के साथ, यहाँ तक के नान के साथ भी खा के आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर की सब्जी बनके तैयार हो चुकी है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में प्यारा सा कमेंट करके हमें ये भी बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको राधे राधे।